अच्छा, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे जो वीडियो स्टैम्प बनाई जा रही है वो है हमारी मॉडल नंबर है EXP-LXD विद डिकोडर के साथ। इसके साथ अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 79 डिकोडर लगे हुए हैं और हम इसकी सेटिंग देखेंगे, हम की इसकी बेसिक सेटिंग क्या है, हाउ टू सेट द डिकोडर, मास्टर डिकोडर, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे सेट करते हैं पर डे के हिसाब से, टेस्ट ऑल वाल और मैनुअली, और अगर हमको 3 से 4 5 वाल एक साथ में चलाने हैं तो वो किस तरह चला जाते हैं। इसका ये कंट्रोल पैनल है, ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, ठीक है, मुकम्मल। इसमें फर्स्ट पंप है, सेकंड पंप है ड्यूटी पे, सॉरी स्टार डेल्टा में, ये छोटा पंप है उसके साथ। अभी हम आ जाते हैं टाइमर की तरफ। सबसे बेसिक हम चले जाते हैं सेट करंट टाइम एंड डेट, ठीक है। तो ये करंट डेट एंड टाइम हम लोग नॉर्मली सेट कर लेते हैं इसलिए। अब भी आगे आ गया वाल्व टाइप, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पे V1, यहाँ पे इसका वाल्व का टाइप आ गई। बैक जाते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर नीचे आ गया मास्टर वाल्व। मास्टर वाल्व सबसे ज़रूरी है, जब तक आप मास्टर वाल्व इसमें ऐड नहीं करेंगे तो आपका पूरा जितना भी सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे गए, मास्टर वाल्व पे क्लिक किया, मॉड्यूलर नंबर 26322, ये हमारे पास मास्टर वाल्व लगा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो 26322 लिखा हुआ है, 26322, तो ये हमारा हो गया मास्टर वाल। मास्टर वाल लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर मास्टर वाल नहीं लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। इसका एक्चुअली पर्पज़ क्या होता है, इस टाइमर से ओनली 2 वायर जा रही हैं, ठीक है, ओनली ये 2 वायर जा रही हैं। इसके सेंटर में मास्टर वाल लगा हुआ है और इसी के साथ ये आगे पूरे एरिया में जितना भी फार्म है, चाहे 100 पीसेज, 150 पीसेज, जितने भी 30-50 वाल्व हैं, तो सब वाल्व को सिर्फ 2 ही वायर जाती हैं और आगे डिकोडर ला जाते हैं और उनकी कोडिंग होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी जो कोडिंग है वो किस तरह होती है, ठीक है। मास्टर वाल्व तो हमारा सेट हो गया, नीचे लिखा हुआ वेदर सेंसर हमारे इधर नहीं है। स्टेशन सेटअप पे चले जाते हैं, स्टेशन सेटअप पे चले जाते हैं, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, हाँ ये हमारा सबसे ज़रूरी काम है। इसमें अभी नंबर 1 में चले जाते हैं, ये हमारा नंबर 1 है। अभी नंबर 1 जो हमारा उधर डिकोडर लगा हुआ है साइड पे सोलेनोइड वाल्व के साथ, वो उसकी डिकोडर की कोडिंग जो है 24522 है, जिस तरह हमारा मास्टर वाल्व हमने सेट किया है 26322, ये हमारा मास्टर वाल है। इसके बाद जहाँ पे हमारे आगे जितने भी वो वाल्व लगे हुए हैं, हर वाल्व के साथ एक डिकोडर है और उस डिकोडर की कोडिंग अलग अलग है। ये 24552 नंबर 2 पे चले जाते हैं, इसी तरह 24562, इस तरह अगर हम लोग आगे चले जाते हैं मतलब नंबर 11 में 24264, ठीक है। अभी हम लोग आगे चले जाते हैं इसी तरह नंबर 23 में आ गया 24559, ये हर डिकोडर की कोडिंग ऑलरेडी हमने ऐड करके दी हुई है, ठीक है। अभी इसी तरह हम आगे चले जाते हैं, नंबर 46 आ गया 26335, ऐसा हो गया। अभी हम लोग पैक चले जाते हैं मास्टर वाल के साथ फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर हमारे इधर एडेड नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फ्लो सेंसर अगर होंगे, अगर आप लगाते हैं कितना फ्लो चाहिए, उसमें क्या होता है वो फ्लो सेंसर इस पाइप के आगे लास्ट में लगता है कि हमको कितना फ्लो चाहिए, तो वो फ्लो के हिसाब से उसके साथ एक डिकोडर भी लगता है इस तरह का, तो वो डिकोडर की यहाँ पर कोडिंग होगी इस तरह का डिकोडर एड्रेस। तो यहाँ पर हम जितनी नंबरिंग देंगे उसके हिसाब से हम लिखते हैं नंबर 1 2 3, तो जितने फ्लो सेंसर हैं वो आ जाएंगे, इधर हमको ज़रूरत नहीं है। वापस चले जाते हैं, ये हमारा हो गया सेटअप कंप्लीट। इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं सेट वेटरिंग स्टार्ट टाइम। सेट वेटरिंग स्टार्ट टाइम में क्या होएगा, फर्स्ट जो हमारा टाइम है वो हमने मॉर्निंग 8 प्लस करेंगे, ये टाइम प्लस आ रहा है, इधर से प्लस करेंगे तो ये सेकंड टाइम आएगा 8 PM इन द इवनिंग, फिर प्लस करेंगे तो थर्ड टाइम हमारे पास नहीं, सिर्फ 2 टाइम है हमारे मॉर्निंग और एन इवनिंग। फिर हम नीचे चले